चलो 200 200 चलो देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या हो सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे 200, तो एक छोटे से चैनल में चल रहा है और डाउन टूवर्ड्स चैनल है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है डाउन टूवर्ड्स है, पर मेरे को लगता है बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। जो सब लोग कह भी रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। और जो उसका चार्ट स्ट्रक्चर, ये वन डे का चार्ट है दोस्तों, वन डे के चार्ट के स्ट्रक्चर से सब लगता है कि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट अभी आ गया है 37,700 के आसपास के करीब आसपास, जहाँ से इसने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है 900 के आसपास, 900 950 के आसपास क्लोज दिया है। सो ये बड़ा क्रूशल लेवल है दोस्तों। अगर इस लेवल के आसपास, इसको आप इसकी लक्ष्मण रेखा ही मान के चलो, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे 15 मिनट की कहने सस्टेन करती है नेक्स्ट डे मंडे के दिन, जिसके जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट है, हो सकता है गैप डाउन हो, गैप अप हो, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो सब कुछ रेड रेड ही लग रहा है, पर हो सकता है मंडे के दिन सुबह देखा जाए तो थोड़ा बहुत अगर ग्रीन हुआ तो बैंक निफ्टी को भी पुल बैक मिलेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी है और बैंक निफ्टी के चांसेस निफ्टी से ज़्यादा ऊपर जाने के हैं। और इसका 37,700 की एक लक्ष्मण रेखा ही मान के चलो दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल या नीचे सस्टेन होती है, तो हो सकता है इसमें मैक्सिमम लेवल जो टारगेट बन के आ रहा है, जहाँ पे इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट है, वो है 37,890, मतलब 400 के आसपास, 400 हो गया, 350 तक मान के चलो, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। और यहाँ से तो इसको 101% पुल बैक करना ही चाहिए, पर मुझे लगता है पर यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में और इतने टाइम से देख लिया कंटिन्यू सब रेड 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 कैंडल ही बनाई है। और एक छोटा सा चैनल जिसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, फिर अंदर आया, सेकेंड टाइम भी फिर नीचे आ गया, फिर इसको टच किया, फिर नीचे आ गया। मुझे लगता है इस बार इस चैनल को अगर ब्रेक किया और टूवर्ड्स ऊपर गया और एक बार 38,000 के ऊपर इसने सस्टेन करना चालू कर दिया, तो 38,125 इसका बड़ा हर्डल होगा। और उस हर्डल को पार किया तो अगला 500, और 500 के ऊपर उसने सस्टेन किया तो डेफिनेटली फिर 40 40+41 ही आएगा सीधा, 41,000 40 48 टारगेट इसके बनते हैं, और उससे पहले इसका रुकना नामुमकिन है, क्योंकि यही इसका एक हर्डल है 38,400 1 और 500 के आसपास। बस इसके एक बार उसको उसके ऊपर सस्टेन करना है, तो देन फिर ऊपर के ही खुलता है, फिर नीचे का छोड़ दो फिर। सो मुझे पूरी उम्मीद है अगला हफ्ता आने वाला अपना थोड़ा ग्रीन रहेगा, क्योंकि अभी तक कंटिन्यू FIS बेच ही बेच रहे हैं और नवंबर ख़त्म होने को आया, लास्ट मंथ पूरा महीना बिका है, 2 3 महीनों से ही सेल है कंटिन्यू देखा जाए तो पूरी उम्मीद है। हो सकता है नवंबर एंड में FIS वाली बाइंग चालू कर दें, और FIS बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर ही जाएगा, कहीं भी इसके रुकने की कोई चांस नहीं है। तो मान के चलिए दोस्तों, एक लेवल को ध्यान में रखना 37,700, अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और सस्टेन करती है, तो देन 37,400 का टारगेट मान के चलना। पर इसके बाद तो कहीं भी सेल मत करना, क्योंकि इसके बाद तो ये इसका मैक्सिमम हो सकता है। इसको तो ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो समझे फिर तो बैंक निफ्टी तो खत्म ही है, और जो पॉसिबल भी नहीं, कोई ऐसा रीज़न भी नहीं दिखता कि जिसकी वजह से नीचे जाए इतना, तो डेफिनेटली ऊपर ही आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, नीचे के लेवल कम है, ऊपर के ज़्यादा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी यही बता रहा है कि तो अभी इसके ऊपर जाने का टाइम आ गया और ऊपर ही जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी, और अगर निफ्टी का चार्ट भी देखोगे दोस्तों, तो ये इसने इसके नीचे, यस, निफ्टी 600, ये सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है। 700 के आसपास, इवन इसके नीचे ही थोड़ा क्लोज है, मतलब 7,775 के नीचे इसने क्लोजिंग जो दी है। अभी इसकी जो नेक्स्ट लक्ष्मण रेखा है 600 है, 600 सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ा और नीचे सस्टेन हो गया 15 मिनट की कैंडल भी इसके, तो फिर ये नीचे टूवर्ड्स 17,300 तक तो आराम से आ जाएगा। ये इसका बड़ा सपोर्ट है 17,350 पर, मैं 50 पॉइंट का अप एंड डाउन गैप मानता हूँ, तो 350 तक तो मान के चलो, अगर ये टूटा तो फिर नीचे 300 पक्का ही है, फिर नहीं रुक सकता, सस्टेन होना चाहिए पर नीचे। पर एक चीज़ है, बैंक ओवरसोल्ड टेरिटरी है, बैंक के ऊपर जाने के चांस है, निफ्टी के नीचे आने के चांस है, तो दोनों साइड में एक ही चीज़ हो सकती है, अगर बैंक ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी बैंक्स के शेयरों का काफ़ी अच्छा हैवी वेट शेयर्स हैं उसके अंदर, तो ये भी डेफिनेटली हो सकता है ज़्यादा ऊपर नहीं जाए पर कंसोलिडेशन में रहे। पर इसका एक मेन हर्डल होगा, पहला हर्डल आएगा 850, 834 और उसके आसपास, अगर उसके आसपास ये सस्टेन होना चालू होता है तो उसके बाद इसका 910 सेकेंड हर्डल है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर 18,000 का हर्डल है, मतलब हर कहीं पे कहीं ना कहीं इसके रेसिस्टेंट पॉइंट ज़्यादा है, जाएगा स्लोली जाएगा। अगर बैंक निफ्टी बढ़ा तो ये भी ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ेगा पर ये रुकता रुकता धीरे 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 जाएगा। सो इसमें थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा, लगता है नेक्स्ट वीक तो मैक्सिमम 18,000 या 18,125, पर वो चीज़ अलग है, रिलायंस भी ओवरसोल्ड है, दूसरे स्टॉक भी ओवरसोल्ड है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, पर दोनों साइड ध्यान रखना। पर नीचे इसकी जो लक्ष्मण रेखा है दोस्तों,
17600 इसको मान के चलो, इसके नीचे अगर एक क्लोज होके सस्टेन करना चालू कर देगा तब तो फिर ये 17300 और ये अपने साथ में बैंक निफ्टी को भी नीचे ले लेगा, फिर बैंक निफ्टी भी 37300 37400 तक आ जाएगा। अगर भैया उसके ऊपर बैंक निफ्टी भी निकलता है और ये भी थोड़ी बहुत पोटेंशियल अपने दिखा के थोड़ा ऊपर आता है, तो ये मेरे को लगता है कमिंग वीक आने वाला, ये नवंबर एंड वीक ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है इन स्टॉक्स को और इन चीज़ों को, और इसके जो लेवल है मैं आपको बता दिए ऑलरेडी, निफ्टी 17600 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और ऊपर में तो इसके रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कहाँ भी आएगा रुकेगा। पहले तो 17835 40 मतलब 17850 के आसपास, फिर 17910, फिर 18000 12 50 ऐसे लेवल पर रुकता रुकता धीरे धीरे ऊपर आएगा और बैंक निफ्टी की भी माना जाता है। और दोस्तों एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जिसमें कंटिन्यू 20-25 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं और ये स्टॉक है 3-in-1 इन्फोटेक, न्यू लिस्टिंग स्टॉक है दोस्तों, 22-10 को लिस्ट हुआ है और जब से देखा जाए तब से अपर सर्किट में ही है। निफ्टी गिरा है, इतना गिरा है पर स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा है, 1 2 3 4 कंटिन्यू देखते चलो। ये रुचि सोया जैसा स्टॉक है दोस्तों जो कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सो अपर सर्किट वाला स्टॉक है दोस्तों। अगर इसमें भी आपको मौका मिले एंट्री का तो कर लो दोस्तों, बहुत अच्छा चांस है, ऐसे चांस बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, वो तो इसमें आपको एंट्री करके रखना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी आप कुछ ना कुछ कर ही बना ही लोगे पैसा, क्योंकि अभी भी जो 85 के लेवल तक आ गया, अभी तक इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी कैंडल दिखाई दी, ये ऊपर खुलता है ऊपर ही सस्टेन होता है और ऊपर ही निकल जाता है, नेक्स्ट डे फिर अपर सर्किट मार के फिर उधर ही क्लोज हो जाता है, कहीं भी मूव नहीं होती। सो स्टॉक को ध्यान रखिए दोस्तों, बाइंग भी अच्छी आ रही है और अभी भी लगता है जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ये 100 200 150 के लेवल तो ऐसे ही क्रॉस कर देगा, क्योंकि 30 से स्टार्ट हुआ था इसका लो, अभी तक 29.50 है, मतलब 30 ही मान के चलो, 30 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक 85 तक बिना रुके गया, कहीं भी कोई नीचे कुछ नहीं, सिर्फ अपर सर्किट खुला ऊपर ऊपर ही क्लोज हो गया, खुला ऊपर ही क्लोज हो गया। और अगर ऐसे ही बढ़ते रह जाते जैसे रुचि सोया 100 150 क्रॉस करके गया था, ये भी 100 150 क्रॉस कर देगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए इसमें बहुत अच्छा चांस है, इसको मिस मत करना। अगर इसमें एंट्री का मौका मिलता कहीं भी मिलता लीजिए और आराम से 30 40 रुपये तो 50 रुपये का टारगेट मान के चलिए, ऊपर जाएगा 125 तक जाएगा, वहाँ से उससे पहले इसको बेचना मत। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।